पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया फूड प्रिंटिंग के बारे में, देन अदर वे में कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, सारी चीजों के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे कि वेबसाइट से कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, देन कैसे एक्सपर्ट्स जो भी होते हैं हैकर्स या एक अटैकर कैसे वेबसाइट्स को डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे बहुत सारे ऐसे कोडिंग एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली ये सारे चीज को हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देन आज की इस क्लास में हम देखेंगे पूरे प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। तो वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली मैं इसे चार मेथड में डिवाइड किया हूँ। तो किसी भी वेबसाइट के नाम या वेबसाइट के जो पेजेस हैं या डोमेन नेम है या इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट किया जाता है, जो हमारा फर्स्ट है। इस केस में हम अपने फर्स्ट मेथड में वेबसाइट क्रेडिंग या कोडिंग एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे उसकी कोडिंग एरर एंड वेबसाइट के एसईओ ऐसे बहुत सारे चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड है डोमेन नेम से पता लगा सकते हैं। तीसरा वेबसाइट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके हम चीजों को पता लगा सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा लास्ट है फोर्थ नंबर में, जिसे वेबसाइट को कॉपी करके हम उसे एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं कि वेबसाइट के पेजेस को हम कॉपी करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजों को हम करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन मैच को सिंपली आपको एक ब्राउजर को ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ब्राउजर। तो यहाँ पर हम जानेंगे वेबसाइट के कोडिंग और ग्रेडिंग एरर्स के बारे में। तो यहाँ पर ये एक वेबसाइट है http://sitechecker.thru। इस वेबसाइट की हेल्प से आप कोई सा भी कोडिंग ग्रेडिंग एरर के बारे में जान सकते हो। तो ये वेबसाइट कोडिंग एरर को बताता है, इसी के साथ साथ एसईओ रेटिंग के बारे में भी बताता है, यानी कि सर्च इंजन की जो रेटिंग है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको करना है चेक। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ facebook.com मैं लिख चुका हूँ, तो सिंपली मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रहा है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग लिखा है 7, 8, 9, 10, 100% जैसे ही होगा। आफ्टर ऑल आपको एक इंटरफेस दिखाएगा जिसमें वो वेबसाइट के सारे डिटेल्स को रख देगा। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट्स का जो इंटरफेस है, लाइक इस वेबसाइट्स के थ्रू कितने सारे यहाँ पर आपको इश्यूज मिलेंगे। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप से इश्यूज है, उसे आप फिक्स भी कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है ऑल इश्यूज। तो यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें हैं लाइक 170 पेजेस का कुछ इश्यूज है या लाइक डिस्क्रिप्शन टैग्स में कुछ इश्यूज है। इसी के साथ मैं आपको आगे बता दूं, जितने भी यहाँ पर इश्यूज हैं सारे चीज को यहाँ मेंशन किया है। यहाँ पे देख सकते हो 10% या फिर आफ्टर ऑल 140 पेजेस का कुछ एरर है, उसे आप फिक्स आउट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके बताऊंगा इसमें जो जितने भी सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे जिसे आप चेक आउट कर सकते हो और जितने भी एरर्स हैं उसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी एरर्स हैं और उसे कैसे आप ठीक कर सकते हो, कैसे फिक्स कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ दी गई है, सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर फिक्स करने के लिए जो तरीके हैं यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ हैकर्स की, तो कोई भी हैकर्स को अगर कोडिंग एरर के बारे में पता चल जाए तो आप समझ सकते हो वो किस हद तक क्या चीजें कर सकता है एक हैकर कोई भी वेबसाइट्स के ऊपर। तो इस तरीके से कोई भी एक अटैकर या एक हैकर कोई भी वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इसी के साथ गाइस जो हमारा दूसरा तरीका यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है हमारा दूसरा तरीका। यहाँ पर इस वेबसाइट्स की हेल्प से आप बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक कुछ ऐसे डिटेल्स को आप निकाल सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है websiteinformate.com। इस वेबसाइट का आप हेल्प ले सकते हो, कोई सा वेबसाइट के नाम से उसे आप सर्च कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं facebook.com लिख दिया, आफ्टर ऑल मैं सिंपली सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेस में है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिखाना चाहूंगा, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट कब क्रिएट हुआ है, देन कब एक्सपायर हो रहा है, ऑनर क्या है, ऑनर का नेम क्या है, होस्टिंग का कौन सी कंपनी है, रजिस्टर्ड कब हुआ है, IPS कौन है, लाइक जो भी चीजें हैं यहाँ, सब डोमेन क्या क्या है, इनके कितने सारे सब डोमेन्स हैं, DNS सर्वर क्या है, ईमेल सर्वर कौन सा यूज होता है, ये इतने सारे डीप
आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तब इसके लिए एक हैकर या एक अटैकर के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा इस वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एक हैकर को ये पता चल जाए कि वेबसाइट कब क्रिएट हुई है, देन वेबसाइट कब एक्सपायर हो रही है। ये भी काफी अच्छी चीज है कि ये सारी चीजें के बारे में अगर पता लगा लेता है एक हैकर तो उसके लिए काफी ज्यादा इजी जाएगा एक वेबसाइट के ऊपर अटैक परफॉर्म करना। इसी के साथ हमारा जो तीसरा वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो तीसरा तरीका है जिसकी हेल्प से हम कोई सा भी वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो वेब एक्ट मशीन, इस मशीन का हम यूज करेंगे। यहाँ पर इस मशीन का आप यूज कर सकते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर facebook.com है, तो facebook.com का सिंपली मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे चीजें क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है वेबसाइट्स के अंदर। देन लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारा वेब एक्ट मशीन है, इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कौन से डेट में वेबसाइट के कौन से पेजेस में चेंजेस किए गए हैं, देन कितने पेजेस ऐड किए गए हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हो डेट वाइज की कौन से ईयर्स में क्या क्या चेंजेस की गई है। तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे ले चलता हूँ आपको, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने सारे चेंजेस किए गए हैं, इतने डेट्स में यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे डीप इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ये सारी चीजें एक हैकर्स के लिए काफी ज्यादा इजी होगा कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से डेट वाइज। यहाँ पर आपको सारे स्नैपशॉट भी मिलेंगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, ये सारी चीजों का भी आप यूज कर सकते हो। फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो, कोई सा भी एक वेबसाइट हो उसका आप स्टेटस को रीड कर सकते हो कि वो वेबसाइट कैसे दिखती है, देन कौन कौन से ईयर में क्या क्या उसमें चेंजेस किए गए हैं, कितने पेज को ऐड किया गया है, अभी का जो इंटरफेस है वो कैसे दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी वेबसाइट का पूरा स्टेटस को रीड कर सकते हो कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं। इसका भी एक यूज करता है हैकर या एक अटैकर। इसी के साथ हम नेक्स्ट वेबसाइट के बारे में जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, सिंपली सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसका यूज मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंपली मैं अपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो यह मैं यहाँ पर गया रेड एडमिनिस्ट्रेटर पर सिंपली क्लिक किया, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा सॉफ्टवेयर, ये हमारा फाइनल स्टेप है कि कैसे वेबसाइट को कॉपी किया जाता है, कैसे वेबसाइट के सोर्स कोड जो भी पेजेस है उसे हम कॉपी करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो। बेसिकली सॉफ्टवेयर का यूज करना है एक हैकर या फिर एक अटैकर। सिंपली यहाँ पर आपको नेस्ट करना है, देन यहाँ पर आपको कोई सा भी एक प्रोजेक्ट नेम दे देना है। लाइक यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट नेम देता हूँ JKD, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद आपको कैटेगरी भी डाल सकते हो चाहो तो, नहीं तो यहाँ पर आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप आई थिंक कुछ भी लिख दो यार, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये। तो सिंपली इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है जो भी सी ड्राइव है वेबसाइट, ठीक है, तो आपका जो भी डेटा है वो सी ड्राइव में सेव होगा वेबसाइट्स के नाम से। यहाँ पर आपको चेंजेस भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो आपको ऐसे ही रहने देना है, अपडेट आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो मेन चीज है, यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड है ना, यहाँ पर कोई सा भी एक वेबसाइट को ये डाउनलोड करेगी, एंड आपको यहाँ पर एक वेबसाइट का URL ऐड करना है जिस वेबसाइट को आप टारगेट करना चाहते हो। बेसिकली ये सारे चीज आपको परमिशन लेके करनी है, बट यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ flipkart.com का, तो मैं सिंपली डाल देता हूँ flipkart.com। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। तो कुछ भी चीजें को आप चेक कर सकते हो, लाइक जो भी चीजें आपको चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ फिनिश करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ फिनिश करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हो स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है। उस वेबसाइट के ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जो अभी स्कैन हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जो कि अभी सेव हो रहे हैं। इस तरीके से आप कोई सा भी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो, उसके सोर्स कोड को कॉपी कर सकते हो, बाद में उस वेबसाइट के डिटेल को आप रीड कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी कोई सा भी एक वेबसाइट्स के अंदर। तो इस तरीके से आप यूज में ला सकते हो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, कोई भी वेबसाइट को आप सिंपली कॉपी कर पाओगे। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ flipkart.com का, तो आपको कोई सा भी वेबसाइट यूज करना है उसका आपको परमिशन लेना है, आफ्टर इट आपको उस वेबसाइट को यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग हमारा चल रहा है, हमें कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना है।
तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्कैनिंग में आपको कुछ टाइम लग सकता है। तो ये सारे वेब पेज जो भी हैं इस वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट है सारे सोर्स कोड को ये कॉपी कर रहे हैं। इस तरीके से सॉफ्टवेयर का आप यूज में ला सकते हो कोई सा भी एक वेबसाइट उसके सोर्स कोड को कॉपी करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे डिटेल्स को आप कलेक्ट करना चाहते हो उस वेबसाइट के अंदर, तो ये सारी चीज को आप कर सकते हो। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि वेबसाइट को कैसे कॉपी किया जाता है, कैसे डिटेल्स को फाइंड आउट किया जाता है, एक वेबसाइट के नेम से या फिर वेबसाइट के डोमेन नेम से कैसे चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं, तो किस तरीके से एक हैकर या एक अटैकर वेबसाइट को टारगेट करता है, ऑफलाइन वेबसाइट को हैक करने के लिए कौन कौन से मेथड से फुटप्रिंटिंग करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना आज की इस क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम जाने कुछ और बेटर नए नए टूल्स के बारे में। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।